हेलो एवरीवन वेलकम ऑन बायोलॉजी बिलज एंड टुडे टॉपिक इज एफेड्रिन एफेड्रीन एफेड्रिन इज ए इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इम्पॉर्टेंट अल्कोलाइड्स दैट ऑप्टेड फ्रॉम ए प्लांट दैट नोन एज इफेड्रा तो जो टॉपिक है इज इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट अंडर द सेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूजफुल फॉर दूपी पी जी टी बायोलॉजी एंड यू पी पी एस सी जी आई सी यू पी पी सीनियर डाइट लेक्चरर जो बॉटनी का सिलेबस है उसमें भी मेडिसिन प्लांट का टॉपिक है और यूपी हायर एजुकेशन अस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब सबसे पहले हम बात करते हैं इफेड्रिन जो कि ड्रग है उसका स्टेटस क्या है इट इज ए सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग दैट मीन्स कि इट एक्ट बोथ एज ए हारमोन्स एज वेल एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स स्पेसिफिकली इट स्टिमुलेट आवर हार्ट एंड मेंटेन आवर ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसल्स एंड आर्टरीज दूसरा पॉइंट है कि इट मे बी ए एम्फिटामाइन एनालॉग इसका मतलब होता है गाइज इट इज सब्जेक्ट टू मिस मतलब इट इज एक्ट एज ए साइको एक्टिव सबस्टेंस एंड कंसिडर एज एब्यूज ड्रग दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्लांट है उसका प्लांट टाइप क्या है जिससे ये ड्रग मिलती है तो इफेड्रा से मिलती है बे नोन प्लांट दैट बिलोंग टू जिमनोस्पम्प्स नॉट एनजियोस्पम्प्स और इफेड्रा की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं नियर अबाउट फोर्टी फाइव स्पीसीज हैं बट नॉट आई प्रोड्यूस इफेड्रिन ओनली ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ फोर्टी फाइव स्पीसीज प्रोड्यूस इफेड्रिन एज अल्कोलाइड्स और दिस फाइव स्पीसीज मच कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन या दिस अल्कोलाइड उसमें एक जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज इस हैं इसकी उन्हें देखते हैं हम सबसे पहले इफेड्रा सिनिका जो कि चाइना कन्फाइड टू चाइना और स्पेशली कंसिडर सोर्स ऑफ एफेड्रिन दूसरा इफेड्रा इक्विटना ये भी चाइना में है और दूसरा एफेड्रा जर आरडी एफेड्रा मेजर का जी इस पे ध्यान रखना है एफेड्रा मेजर इम्पॉर्टेंट और रिचेस्ट सोर्स ऑफ द इफेड्रिन और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगा ये इंडिया में पाई जाती है और इंडिया में इफेड्रिन का सबसे इंपॉर्टेंट एंड रिचेस्ट सोर्स है इसका मल्टीकलो फार्मूला हम देख सकते हैं सी टैन एज ट्वेंटी और इफेड्रा दिस टाइप का ये स्पीसीज है इसकी और भी इसके बाद इंटरमीडिया स्पीसीज है यहाँ पर हम इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें बहुत आसानी से इसका मालिकुलर वेट मेल्टिंग पॉइंट और पॉलिंग पॉइंट भी देख सकते हैं इसके बाद हमने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं ट्वेंटी फाइव्स ये इसमें आप एक और देख सकते हैं एफेड्रा नेब्रोडेंसिस इफेड्रा हेल्बिटिका एंड इफेड्रा एलेटा अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट स्पोरोफाइट इफेड्रा चूँकि स्पोरोफाइट क्यों है क्योंकि ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट

तो इसका जो सोर्स है जो इसके जो अनराइपेंट जो इसकी ओबरी होती है जो 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 कवर्ड नहीं होती है वहाँ से ये प्लांट मिलता है इसका जो अलक्लाइट्स है फेडरिल और ये भी देख सकते हैं ये इसके आप देख सकते हैं फ्रूट्स हैं फ्रूट्स मतलब अनकवर्ड फ्रूट्स जिन्हें कह सकते हैं और स्पेशली इंडिया में बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो यारडियाना और नैब्रोडिस को भी बायोलॉजिकल सोर्स माना जाता है और जिम्नोसपर्मिक प्लांट है और जिम्नोस्पर्म की खासियत किया गया ये क्लास कोनीफ्रोफाइटा को बिलोंग करता है क्योंकि जिम्नोसप्रोफाइटा दो टाइप के होते हैं आप तो एक तो साइकडो फाइटा और दूसरा कोनीफ्रोफाइटा ये जो आपका प्लांट है इफेट्रा का ये बिलोंग करता है कोनीफ्रोफाइटा कोनीफ्रोफाइटा क्लास है और इसमें एक आर्डर होता है आर्डर में फैमिली है इफेड्रेसी या जिम्नोस्पर्मी उस फैमिली का मेंबर है आपका इफेट्रा दैट प्रोडाइड ए इम्पॉर्टेंट ड्रग जिससे हम बोलते हैं इफेड्रा जो आज हम स्टडी कर रहे हैं इसके बाद इसके टेक्सोनॉमिक पोजिशन की बात करें इफेड्रा की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है क्योंकि इस ग्रुप के सभी प्लांट जो इफेड्रेसी फैमिली है या नेटेल्स जो इनका आर्डर है उसके प्लांट एक्ट एज ए एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिमनोसपम्स एंड एनजियोस्पम बिकॉज क्योंकि इनके बहुत सारे फीचर जो होते हैं वो लुक लाइक एनजीओस्पॉम जैसे इनकी जो बेसल्स होती है जो बुड होती है सेकेंडरी जाइलम उसमें बेसल्स पाई जाती हैं ये करेक्टर जो है गए जिम्नोस्पम से बिल्कुल अपोजिट है जिम्नोस्पम में सेकेंडरी जाइलम में बेसल्स नहीं पाई जाती हैं बट इफेड्रा जिम्नोस्पम होते हुए अपने बुड मतलब सेकेंडरी जाइलम में बेसल्स रखता है दैट मीन्स इट्स सिमिलर टू देंजोस्पामिक करेक्टर्स एंड सो इट इज़ नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड एनजियपम्प और बहुत सारे फीचर्स इसमें अपने से नीचे वाले ग्रुप दैट मींस टेरोफाइड से सिमिलर होते हैं हम उन पर आगे बात करेंगे तो गाइज फैमिली कौन सी है इसकी इफेड्रेसी या जिम्नोस्पर्म बोलते हैं ये इसकी दूसरी स्पीसीज है जिसे बोलते हैं इफेड्रा इंटरमीडिया का है. देख सकते हैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट है अब इसके टेक्सोनॉमिक फीचर्स की हम बात करें तो आप बिल्कुल क्लियर हैं कि सिमिलर टू एनजियोसपम्स इन जनरल हैबिट और दूसरा सिमिलरिटी क्या है जिम्नोसपम्प हैविंग बुड विद बेसल जो होती हैं उसके सेकेंडरी जाइलम में नहीं होती मगर यहाँ पे स्पेशली इफेड्रा की बात करें तो बेसल सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होती है तीसरा पॉइंट है कि जो इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो यूनिसेक्सुअल यूनिसेसुल मतलबियस मौन, होती हैं और जो एम्ब्रोय लुक लाइक डाई कार्ट मतलब इसके कार्टिडेडेंस में दो एम्ब्रियो होते हैं एम्ब्रोय विद टू कार्ट मतलब एम्ब्रॉय में टू कार्टिडेडेंस मतलब एनजियोस्पम के डाई से ज्यादा सिमिलरिटीज सिमरेटिस करता है अब इसके थेरापेटिक प्लांट की बात करें थेरापेटिक इसकी हिस्ट्री क्या है तो ये चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम में पाँच हजार पहले इस प्लांट का उन्हें जानकारी थी इसके बारे में उसे यूज करते थे बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स किए चाइना के लोग इसे यूज करते थे और बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं इंडियन की बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में जो स्पीसीज हैं डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द फेडरा उन्हें कंसिडर करा जाता था डिवाइन प्लांट के फार्म में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ से आ सकता है ध्यान रखना है डिवाइन प्लांट अब कॉमन नेम की बात करते हैं कामन नेम इसके फंक्शन से ड्राइव होते हैं इसे कामनली हम एलो हैम्प बोलते हैं देखिए हैम्प एक अलग प्लांट होता है जो बहुत ही कामन है हमने आपको पूरा पढ़ाया है फ्ला फाइबर वाले सेक्शन में इसके अलावा इसका जो दूसरा एक कामन नेम होता है मिक्सड एक्टिंग मतलब ये आपका न्यूरो और आपका हारमोन दोनों की तरह एक्ट करता है तो इसे मिक्सड एक्टिंग बोलते हैं इसके बाद माँ वाग ये एक चाइनीज़ टर्म है जिसका मतलब पाँ का होता है इसके जो टेस्ट होता है वह बहुत ज़्यादा ज़्यादा से बोलते हैं स्ट्रीजेंट होता है और जो वांग का टर्म से गाइस इसका मतलब होता है इसके फ्ला इसकी जो मेडिसिन होती है उसका कलर वो कैसे कलर की होती है येलो कलर की होती है अब इसके बाद इसकी मेडिसिनल एल्कोइट के हिस्ट्री की बात करें कब इसके नोटिस किया गया तो गाइड सबसे पहले हम नाइनटीन सेंचुरी में नाइनटीन में की बात करें एटीन में जो जापानीज लोग थे उन्होंने इसके प्लांट्स पाए जाने वाले सभी अल्कलाइड को अलग किया था बट उसके दो साल के बाद एम नग दो ही जापानीज थे उन्होंने पार्टिकुलरली फेड्रा को प्योर फार्म में सेलेक्ट मतलब आइसोलेट करा बट दे नॉट एबल टू टेल्स इट्स फार्मास्यूटिकल वैल्यू उसके बाद क्या होता था के, के चैन एंड सी एफ स्मिथ इस ने इसकी जो सिम्पहतो मायोमेटिक मेडिसिन के फार्म में इसकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया एंड देन इफेडन आइसोलेट किया गया और इसके फंक्शन ये पाया गया कि सिमिलर टू दी एड्रीन हार्मोन जो कि हार्मोन होता है एंड दैट हैव स्टीमुलेट्री फंक्शन ऑन दी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके बाद इसकी अगर हम और क्वालिटी की बात करें तो इट इज सॉलवेंट इन वाटर अल्कोहल डाइल्यूट एसियल और आर्गेनिक सॉलबेंट एंड ऑयल्स इसमें कोई भी तरीके का मतलब कलर नहीं होता है कोई स्मेल नहीं होती है डेली क्यूज एंड एक्सपोज टू ईयर और ये डिकम्पोज तो हो जाता है इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट कैमिस्ट्रिकल फीचर है रहसका इसमें दो कार्बनस होते हैं कैसे कार्बन चिरल कार्बन इसलिए इसके क्या है फोर आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं और ये आइसोमर कहलाते हैं आपके एल इफेड्रिन डी फेड्रिन एल सुडो एफेड्रिन और डी सुडो एफेड्रिन इसके बाद ये जो आपके नॉन कैटोचोलोमाइन एगोनिस्ट होता है उसका सिंथेटिक वर्जन इससे प्रिपेयर किया जा सकता है और दैट बाइंड ऑन दी बीटा एंड बीटा टू रिसेप्टर साइट इन द ब्रेन और इसके अलावा इसे हम इंटराबेनसली भी ले सकते हैं वो भी बहुत ही माइन्यूट कंसेंट्रेशन फाइव टू टेन मिलीग्राम की अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बहुत सारी स्पीसीज आती हैं जैसे किस कंट्री में कौन सी स्पीसीज मेजर सोर्स माना जाता है जैसे इंडिया में आपका इफेड्रा मेजर को कंसीडर करते हैं इसी तरीके से चाइना में इफेड्रा सिनिका वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज जहाँ पे इसकी बहुत सारी प्रिपरेशन दैट ड्राइव फ्रॉम द इफेड्रा मार्केटेड मतलब मार्केट होती किस तरीके से डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्म में और उन्हें प्रमोट किया जाता है कि दे आर इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू रिड्यूस द देट स्पेशली फैट तो जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं वो इंक्रीज अपना जो एनर्जी रिड्यूस करने के लिए या फैट को रिड्यूस करने के लिए इस मेडिसिन का वो करते हैं और एथलीट अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं तो जब जो यू की जो फेडरेशन है उसने इसे 2004 में बैन कर दिया और बट इसका लीगल स्टेटस जो अंडर रिव्यू कि इसे बैन इसे, इसे इस्तेमाल किया जाना लीगल इ बट स्पेसिफिक कंडीशंस में कि एज एनर्जी अनर्जी इन हांसर की फार्म में यूज़ करना वाई द एथलीट इज इज ए लीगल टर्म्स अब की बहुत सारी जो इसकी प्रिप्रेशन हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं या हम ये कह सकते हैं कि जो फेडरिन प्रिप्रेशन आर स्नजिस्टिक टू दी कैफीन कैफीन की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें सपोर्ट करती है इसके अलावा इट इज़ डिकोसेट इसका मतलब होता गाइस ये जो हमारे जो प्रॉब्लम्स होती है ड्यूरिंग द कोल्ड जो नोज़ में सांस लेने में हमारे रेस्पायर करने में उसे ओपन करता है और एपेटाइट हमारे एपेटाइट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे भी रिड्यूस करने में इसके एल्कोलाइड काम आते हैं इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है ये हाइपोटेंशन की जो कंडीशन होती है ड्यूरिंग सर्जिकल एनेस्थीसिया उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायो में अगर हम बात करें तो इसका जो स्केलेटन होता है वो फिनाइल इथैलामाइन स्केलेटन रखता है ये एल्कोलाइड्स अब इसके कल्टिवेशन की बात कर लेते हैं गाई ये इंडिया में स्पेशली हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के ये नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या आता है ये आपका जो नॉर्थ वेस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें ग्रो करा जाता है इसके अलावा अगर ग्लोबल लेवल बात करें तो ऑस्ट्रेलिया केन्या यू स्पेन में इसकी कल्टिवेशन अब इसकी जो कल्टिवेशन नीड्स हैं ये भी एक काफ़ी हाई अल्टीट्यूड की बात करता है और एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 50 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें वही रिप्रोडक्शन है सीड्स लेयरिंग एंड कटिंग तीनों माथम जैसा कि इससे पहले हमने जो प्लांट पढ़ा था गाइस सिंकोना उसमें वही कंडीशन थी सेम कंडीशन यहाँ अभी है कि सीड्स के थ्रू मल सेक्सल रिपोडक्शन लेरिंग एंड कटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इसे करा जाता है अब इसका जो स्पोरोफाइट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं गाइज जैसा कि स्पोरोफाइट जिम्नोस्पर्मिंग का इफेड्रा ग्रुप को बिलोंग करता है तो इन प्लांट में नॉर्मली लीफ लेस प्लांट होते हैं इनमें लीफ नहीं होती और जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं गाइज स्केली लीव्स होती हैं वो भी कहाँ प्रेजेंट होती हैं जो इनके नोट्स और इंटरनोट पर आप इसके पिक्चर में सीधा देख सकते हैं गाइज़ ये जो इनके पिक्चर ये इस तरीके से नोट वाला रीजन और इंटर नोड वाला रीजन ये दिस वन एंड दिस वन इस तरीके से ये नोट्स इन्हीं रीजन पर प्रेजेंट होती हैं वो भी कौन सी लिप्स स्केली लिप्स नॉट प्रॉपर लीव जिन्हें हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट है कि इनके जो वो भी टू लीव्स के ग्रुप में ज़्यादा नहीं और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी तो ये सिमिलर था एनजियो प्लांट से इन हैविंग बेसल्स और जनरल हैबिट में इसके अलावा इट आल्सो सिमिलर टू हॉस्टेल हॉस्टेल जो गाइज है वो जिम्नो से नीचे वाले ग्रुप जिसे बोलते हैं टेडोफाइट का मेम्बर्स होता है और इसे हॉस्टेलो का मान लीजिए बोलते हैं इक्वसिटम ट्रेडोफाइट का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें चार ग्रुप होते हैं उसमें एक ग्रुप होता है अर्थोफाइट तो अर्थोफाइट का मेंबर्स होता है हार्स स्टेल जिसे हम कॉमनली बॉटनी बोलते है, ये हैं इक्वसिटम या हिंदी में बोलते हैं तो जोड़ा तोड़ा बोलते हैं उस प्लांट की जो स्टेम होता है उसमें सिल्का के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसका स्टेम होता है तो ये उससे भी सिमिलरिटी शो करता है मतलब अपने पीछे वाले ग्रुप मतलब ट्रेडोफाइट से भी सिमिलरिटी शो करता है और अपने आगे ग्रुप एनजम्प से भी सिमिलरिटी शो करता है इसके अलावा अगर हम इसकी पोजिशन देखेंगे तो ये बिल्कुल जो एरिड रीजन्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है और इसकी इस तरीके से आप देख सकते हैं जिमनोसपम यहाँ पे आपका एफाइड्रा है ये और ये अपने आगे वाले एनजियोसपम से भी शो करता है इन अपने एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने दूसरे फीचर्स के बेस पे ये ट्रेडोफाइट स्पेशली से सिमिलरिटी शो करता है और इसका जो कार्टेक्स होता है उसमें कैल्शियम ऑगजिलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं अब कहाँ से हम इसके अल्कोलाइड सिक्रेट करते हैं किस पार्ट से इस प्लांट बॉडी के जो स्पोरोफाइट है उससे किस पार्ट से हम अल्कोलाइड का सिक्रेशन करते हैं तो इसकी जो ब्रांचेज और इसकी जो स्टेम होती है गाइज़ देखिए इसमें फ्रूट बैसा वाला है इनकम्प्लीट फ्रूट होता है फ्लावर आते नहीं तो जो सोर्स ऑफ मेडिसिन है सोर्स ऑफ अल्क्लाइट्स है तो इसकी जो ब्रांचेज होती हैं जो स्टेम की उन्हीं से ही अल्क्लाइट्स मिलता है गाइज अब अल्कोलाइट की हम बात करें तो किस लेवल के प्लांट से मिलता है कि हम प्लांट को लगाएं ले रिंग के थ्रू और प्लांट ग्रो करें उससे मेडिसिन या जो अल्क्लाइट्स है उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं गाइज़ ऐसा नहीं है इसमें जो लगभग सबसे अच्छा माना गया तो फोर इयर्स ओल्ड प्लांट जो है कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ए रिच सोर्स ऑफ द अल्कोलाइड्स इफेड्रिन तो कम से कम चार साल का प्लांट हो जाए तब उससे निकालें और उसमें शर्त ये कि उसमें फ्लावरिंग भी होती रहे तो उसमें जो कंसनट्रेशन ऑफ द दल्कोलाइड्स होती है वो अच्छी पाई गई और इंडियन स्पीसीज में सबसे ज़्यादा हमें बता दें एफेड्रा मेजर में कंसन्ट्रेशन पाई जाती है इंडिया में इसके अलावा इफेड्रिन के अलावा इसमें कुछ और भी अल्कोलाइड्स नोटिस करे गए जैसे कि आपका आइसो और उसकी कंसनट्रेशन बहुत कम होती है दूसरा पॉइंट है कि जो अल्कोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ऐसा नहीं है कि प्लांट के हर एक पार्ट में होती है स्टेम ब्रांचेज ऑफ द स्टेम तो सोर्स हो गया और जो कंसनट्रेशन ऑफ द अल्कोलाइट्स होती है वो सीजन टू सीजन वेरीज होती रहती है और सबसे ज्यादा कंसनट्रेशन नोटिस करेगी वो आठवन रीजन में होती है बसंत की जो रिश्तों होती है उसमें इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंसनट्रेशन होती है और स्पेशली जब इसकी जो ट्विंग्स होती, जो होती है जो ब्रांचेज होते हैं प्लांट की वो डार्क इन कलर में हो जाए तो समझ सकते हैं कि उसमें अल्कोराइड की कंसन्ट्रेशन सबसे ज़्यादा है इसके अलावा इसकी रूट्स में एक दूसरा अल्क्राइड पाया जाता है होता अमाइनो अल्क्राइड से लाइक एफाड्रिन और उसे बोलते हैं एफेड्रा डाइंस इसके अलावा इससे एक मेडिसिन बनती है जिसका नाम होता है एग्जोल ये मेडिसिन और ये इसके रूट्स में पाया जाता है देखिए एक ये रूट्स में जबकि हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं जो मेन हमारा प्लांट है इफेड्रिन वो हमारी जो ब्रांचेज ऑफ दिस्टम उनसे मिलना है मगर दूसरा अल्कोलाइड्स मगर सेम ग्रुप अमाइनो ही इफेड्रा डाइंस वो इसकी रूट्स में मिलता है और उससे एक प्रिपरेशन है जिसका नाम है ऑक्सा

या बहुत सारी जो मेडिसिन है इसकी जो प्रिप्रेशन है उसमें दो टाइप के एल्कोलाइट्स होते हैं एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की फार में एफेड्रिन सल्फेट की फार्म में अच्छा इसकी जो स्टडी करी गई इसकी एक्टिविटी की इसकी फिजियोलॉजी की वो हर तरीके के सेल्स पे मतलब प्रूफ हो चुका है कि ये कल्चर सेल में भी काम कर सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स में भी काम कर सकता है ये आपका एनिमल बॉडी में किसी पार्टिकुलर सेल में कोई प्रॉब्लम मतलब इन बायो एनिमल मॉडल में भी काम करता है और आइसोलेटेड टिशू में भी काम करता है वेरी इफेक्टिव इसका मतलब होता है कोई भी टाइप ऐसा नहीं जहाँ पर काम ना करता हो हर तरीके की सेल्स कंडीशन में इट इज़ एप्लीकेबल टू एक्ट वेटर दूसरा पॉइंट है कि रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी आज प्रेजेंट टाइम में आ, हमें इस लाइक करती है हमें इनेबल करती है कि हम इसकी जो डायरेक्ट इफेक्ट हैं हम उन्हें एनालाइज कर सकें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये यह यहाँ पर एक एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी का इसके अलावा अब हम बात करते हैं इफेड्रिन की अप्लीकेशन के बारे में जो इसके सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स हैं उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट है कि इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में इफेड्रिन सल्फेट की फॉर्म में ये जो अल्कोलाइड्स है वो मेडिसिन में यूज किया जाता है और उनके मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसे हम तीनों तरीके से ले सकते हैं औरली भी ले सकते हैं एक फार्म आप टेबलेट्स दूसरा हम एंट्राम इंजेक्शन भी ले सकते हैं पेरेंटली का मतलब गैज कि हम मदर टू इसके फीटस में भी ये बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं पेरेंटली भी इसे हम ले सकते हैं अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मार्केट में गैज होता है जिसे हम बोलते हैं जेफ्रोल और इसमें प्रेजेंट होता है इफेड्रिन हाइड्रोक्लाइट का एक इफ़ैटिन हाइड्रोक्लोराइड और ये काम आता है आपके नेचुरल ड्रॉप जब हमारा कुछ साइनस कंजेशन होता है या जुकाम या कोल्ड के टाइम जो नाक बंद हो जाती है उस टाइम हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसे बोलते हैं साइनस कंजेशन और स्पेशली ब्रोंकियल कफ ट्रीटमेंट में भी काम आता है इसके अलावा रस्थमा जो रिस्पायटी प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेंक्यो डिलेटर का, का काम करता है ध्यान रखें बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड किसी टाइप की एलर्जी जैसे आपका है फीवर या कोल्ड या कंट्रोल ऑफ नाइट बेटे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन का इस पर ध्यान दें आप लोग नाइट वेटिंग नाइट वेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है रात में यूरिन करने की देर बेड उसे कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल करा जाता है इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपका बताया था कि अलर्टनेस जो क्रिएट करी जाती है पायलट्स में मोटर बाइकर्स में उनके एबेक्फुलनेस के लिए तो उसमें उसकी जितनी भी प्रिपरेशन मार्केट है उनमें सब में इफेड्रा होता है तो वेरी अलर्ट क्योंकि इट अफेक्टेड टू हमारे जो नॉन एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन हारमोन्स होते हैं उससे सिमिलरिटी करता है दे हारमोन आर नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हारमोन्स तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये कि ये ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करते हैं या उन्हें मेंटेन करते हैं या उन्हें लो ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर में मतलब चेंज कर देते हैं इम्प्रूव करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को उसकी वजह से और सबसे इंपॉर्टेंट का जो फीचर्स ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि नाइट बेटिंग वाला ये ध्यान रखें आप वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दूसरा कि अलर्टनेस ऑफ द पायलट्स एंड मोटर मोटरबाइकर्स उसमें इसके इस्तेमाल होता है क्योंकि न्यूरॉन्स के जो हमारे अल्फा बीटा बीटा एडोसे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी या इफिनिटी रखते हैं इसके अलावा ये जो क्लिनिकल प्रॉब्लम होती है ब्रैंक्य उस उसे रोकने में काफ़ी हद तक ये कारगर है जो एक्यूट हाइपोटेंशन की वजह से होती है तो एक्यूट हाइपोटेंशन को ये हाइपरटेंशन में कन्वर्ट कर देता है मतलब ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देता है इसके अलावा बहुत सारे एथलीट्स जो होते हैं इसे जिसकी वजह से ये टू में आपका यू एस ने इसे ब्लॉक कर दिया इसकी जो ट्रेड पे रोक लगा रखी है वो इसी वजह से कि एथलीट यूज़ इट एज एनर्जी एनहांसर की, एन की फॉर्म में जो कि गलत था ड्यूरिंग दियर कंपटीटर्स अच्छा इसके बाद एपेटाइट सेपरेंट के फार्म में भी काम करता है माओकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिटी हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा के क्योंकि ये सभी फंक्शन जो है आपका मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिविटी हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट ये कंसर्ड ऑल टू दी इन्हांसमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये सभी फंक्शन इंपॉर्टेंट है तो इट इंक्रीजि मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिविटी इट इंक्रीजेज हार्ट बीट इट इंक्रेडिड कार्डियक आउटपुट इट इंक्रीजेज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक सिस्टम ऑफ द हार्ट तो ये सब गोज़ टू इंप्रूवमेंट ऑफ़ द ब्लड सर्कुलेशन एंड इसके अलावा इससे कह सकते हैं जो माइल्ड हाइपोटेंशन बेडी कार्डिया हो जाता है ड्यूरिंग जनरल या रीजनल एनेस्थिस के दौरान उसमें भी काफ़ी कारगर है क्योंकि बेडी कार्डिया का मतलब क्या जो होता है भाई ब्लड आपकी हार्ट बीट हल्के हल्के रिड्यूस हो रही है एज रिजल्ट ऑफ दैट हाइपोटेंशन क्रिएट हो जाता है तो हाइपोटेंशन को इंप्रूव करने में काम आती है इसका जो इट इज़ द फर्स्ट थेरेपी द पार्ट विद हाइपोटेंशन जो पार्ट uh, यूरेंट्स होते हैं उनके हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है तो उसे इंप्रूव करने में काम होता है इसके अलावा इट प्रिजर्व द दूटराइन ब्लड फ्लो ब्लाइंड फ्लो लिखा गया ब्लड फ्लो यूटराइन ब्लड फ्लो का मतलब हुआ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर टू फीटस जो ब्लड सप्लाई होती है उसे प्रिजर्व करने में इसका रोल होता है क्योंकि ये ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है तो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ वही फंक्शन है यूटराइन ब्लड फ्लो को भी मेनटेन करेगा और इट काज जब इसे हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में ये नॉन इपिनफिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है तो अल्टीमेटली हम अवेक एंड क्या कहना चाहिए अलर्ट हो जाएंगे इसके अलावा शॉर्ट टर्म वेट लॉस सिग्निफिकेंटली फ़ैट लॉस के लिए इसे प्रमोट किया जाता है मार्केटिंग में बॉडी बिल्डर्स रिड्यूस बॉडी फैट को रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा ये कैफ़ीन के जो फंक्शन होते हैं उन्हें काफ़ी मदद करता है मतलब वी कैन से दैट कि इट इज़ नजिस्टिक टू द कैफीन मतलब कैफीन के फंक्शन को प्रमोट करता है इसके अलावा जो कैटाचोलोमाइनस जो एक्शन होते हैं जैसे परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट इन्हांसमेंट तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्फिटामाइन्स और एफिन की जो स्ट्रक्चर है उसमें किस हद तक सिमिलरिटी है देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आप तो इसलिए इसे एम्फिटामाइन्स का एनालॉग बोला जाता है इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपको जो इनके मालिकुलर जो होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती, होती है उसमें सिमिलरिटीज होती है ना अब इसे हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंसिव क्योंकि हर कहीं पर आपने देखा जो हाइपोटेंसिव कंडीशन जो कि एनेस्थीसिया या ऑपरेशन के टाइम क्रिएट हो जाती है तो उसे इंप्रूव करने में काम आता है तो उससे हमें कह सकते हैं कि इट इज़ ए हाइपरटेंसिव एजेंट अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट जैसा कि एक इंपॉर्टेंट ड्रग है सबसे इंपॉर्टेंट टैकीफाइलक्स का टैकी मतलब होता है जो हम बार बार एक ही डोज जब इस्तेमाल करते रहते हैं लॉन्ग पीरियड टाइम तक तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है तो उस तरीके की जो कंडीशन भी की हो जाती है ये भी साइड इफेक्ट है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर कंटिन्यूसली इसे यूज़ करना रहे हैं पार्टिकुलर डोज तो फिर इसका इंपेक्ट या इफेक्ट आपकी बॉडी पे ख़त्म हो जाएगा तो ये भी साइड इफेक्ट है दूसरा ये काज एजिटेशन एंड इंसोमेनिक कंडीशन होती है और प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो एक टाइप का कैंसर होता है उस, उसका भी मतलब ये साइड इफेक्ट फार्म में क्रिएट हो सकता है इसके इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से अब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसके सिंथेटिक डेरिवेटिव मार्केट में का जो उन्हें ध्यान रखे हमने एम सी यू बना दिया है बेंजर और डेक्सडाइन और परविटिन ये आपके तीन जो हैं इसके सिंथेटिक वर्जन से जो मार्केट में इस नाम से बेचे जाते हैं इसके अलावा अलर्टनेस हमने आपको जो बताया था पायलट्स और मोटरबाइक या फिर ऐसे लोग जो एक लॉन्ग टाइम तक रात में काम करते हैं जिन्हें फिजिकल एक्सर चाहिए होता उनके लिए ये एल्कोलाइट काफ़ी हेल्पफुल है और ये काफ़ी टाइम तक बॉडी में रहता है उसकी वजह ये है क्योंकि स्लो एक्शन करता है और इसका प्रोलॉन्ग रहने की वजह है कि इसकी जो इसका जो ये मतलब हमारी बॉडी में क्यूक् हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है और हमारे ब्लड प्रेशर को करेक्ट करता है इसका मतलब ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट रखता है अब आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन इसमें कि कौन से दूसरे ऐसे प्लांट हैं जो इफेड्रिन टाइप मेडिसिन दे सकते हैं मतलब वी कैन से दैट कि प्लांट्स नेम या एलाइड प्लांट्स या सब्सटीट्यूट ऑफ द फेडरेशन ऐसे भी कह सकते हो तो भाई एक प्लांट इसी कैटेगरी कैटेगरी कहेंगे फैमिली गाने का टेगजेसी टेक्जेस पैकेटा ये प्लांट भी जिम्नोस्पम्स है और जो इफेडिन टाइप की मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकता है इसके अलावा अब कुछ एंजोस्पमिक प्लांट हैं जैसे आपके मालवेसी के दो प्लांट हैं सीडा कार्डिफोलिया और सीडा रैम्बो रैम्बीफोलिया ये दोनों प्लांट इसके सब्सिट्यूट हैं इसके अलावा आपके रेनिकुलेसर एग्जाम्पल बटरकप फैमिली का उसका एक मंबर है एक्ोनेटम नेपिलस ये भी इसका सब्सटीट्यूट है एलाइड ड्रग्स प्रोवाइड कर सकता है और लास्ट प्लांट है आपकी पोपी फैमिली पैप का रोमेरिया रिफ्रैक्टा ये आल्सो प्रोवाइड्स इफेड्रिन टाइप अल्कोलाइड्स तो ये आपने फाइव प्लांट्स हैं दो तो यूज़ करे जाते हैं एज एलाइड ड्रग्स एड ए सब्सटीट्यूट ऑफ दी इफेट थैंक यू वेरी मच गाइज